नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत है, जिसमें हम उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन करते आ रहे हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और इन बाइबल अध्ययनों के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को निरंतर हमारे साथ प्राप्त कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करके परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेंगे। मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में इस बात को देखा कि किस प्रकार याकूब अपने भाई से मिलने के लिए जाता है, पर उसके मन में भय बना हुआ था और उसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मित्रों, फिर हमने याकूब के जीवन के परिवर्तन को देखा और पाया कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और उसका नाम इसराइल रखा। आज के अध्ययन में हम याकूब और एसाव के मुलाकात को अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे प्रति दूसरों के मन में और हमारे विरोधियों के मन में हमारे प्रति दया और प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। इस मुलाकात की अद्भुत शिक्षा को आइए हम परमेश्वर के दास के साथ आरंभ करते हैं। प्रार्थना पूर्वक बैठें और इस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करें। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। मित्रों, हमने याकूब के परिवर्तित जीवन को भी देखा कि किस प्रकार वो एक विश्वास करने वाला व्यक्ति बन गया, लेकिन कई बार वह फिर कमजोर भी पड़ा। इसके लिए पौलुस ने भी रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 19 पद में अपने संघर्ष के बारे में बताया कि जो वह करना चाहता है नहीं कर पाता और जिसे वह नहीं करना चाहता है वही करता है। पौलुस ने इस बात को जान लिया कि पुराने स्वभाव में अच्छाई नहीं है और इतना ही नहीं परंतु नए स्वभाव में भी अभी इतनी सामर्थ्य या ताकत नहीं है और अंततः हम उसे पुकारते हुए सुनते हैं। रोमियो 7 अध्याय उसके 24 पद में पौलुस कहते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। इसके बाद कुछ हुआ और वह कहता है, मैं प्रभु यीशु हमारे प्रभु में होकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, यह यीशु ही है जिसके माध्यम से होकर आपको पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि आपकी सहायता उसी में होकर आती है। अतः एक ओर तो मैं स्वयं अपने मन से परमेश्वर की व्यवस्था की सेवा की, परंतु दूसरी ओर अपने शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा करता हूँ। रोमियो 7 अध्याय उसके 25 पद में ये लिखा है। यही कारण है कि आज यह हम सब के साथ भी है। हमारे अंदर वह पुराना स्वभाव मौजूद है और ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। वास्तव में पौलुस आगे यह भी कहते हैं कि यह परमेश्वर के विरुद्ध है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, क्योंकि शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है, वह न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न ही हो सकता है। जो शारीरिक है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मित्रों, यह सच है, हम शरीर की दशा में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए पौलुस ने अंत में विजय को प्राप्त किया, अपने आप को परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में देने के द्वारा। जो व्यवस्था नहीं कर सकी वह अपवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है और कर सकता है। कैसे एक व्यक्ति इसे करे? जब मैं और आप अपने आप को उसे समर्पित करने के द्वारा उसे प्रसन्न कर सकते हैं। समर्पित होने या करने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो परिवर्तित हुआ है वह अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करता है, और यही कार्य याकूब ने भी किया। याकूब जीता या विजयी हुआ इसलिए नहीं कि उसने संघर्ष किया और कुश्ती लड़कर, परंतु अपने आप को समर्पित करने के द्वारा। मित्रों, पहले कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, ये बातें उन पर उदाहरण स्वरूप हुई और ये हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई जिन पर इस युग का अंत आ पहुंचा है। जी हाँ, यह हमारे उदाहरण के लिए दिया गया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले अध्ययन में हमने याकूब के बारे में देखा जो लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पीछे मामा लाबान था और उसके सामने उसका बड़ा भाई एसाव। और देखा जाए तो याकूब के लिए दोनों तरफ से ही डर बना हुआ था और वह इस स्थिति में नहीं था कि किसी के साथ लड़े। इसलिए परमेश्वर के जन अर्थात यीशु मसीह देह धारण करने के पूर्व ने उस स्थान को लिया और याकूब उससे लड़ता रहा जब तक कि उसने उसके जांघ के नस को छूकर उसे लंगड़ा नहीं कर दिया। फिर वह उसे थामे रहा कि वह उसे आशीर्वाद दे।
यही वह स्थान व समय था जहां पर याकूब का नाम बदलकर इसराइल हो गया। इससे पहले कि हम अध्याय 33 को आरंभ करें, हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं। यदि आपसे सच कहूं तो निश्चय ही यह एक नया व्यक्ति है। तो आइए हम उत्पत्ति 33 उसके एक पद को पढ़ें। जब याकूब ने अपनी आँखें उठाकर देखा कि एसाव 400 पुरुष साथ लिए चला आ रहा है, तब उसने लिया और राहेल तथा दोनों दासियों के बीच बच्चों को बाँट दिया। मित्रों, याकूब अपने परिवार को बचाना चाहता था, इसलिए उनको दूसरों से अलग किया। अब उत्पत्ति 33 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, तब उसने दासियों और उनके बच्चों को तो सबसे आगे, फिर लिया और उसके बच्चों को, और सबसे पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। परंतु वह स्वयं उनसे आगे निकल गया और जब तक अपने भाई के निकट ना पहुंचा, उसने 7 बार भूमि पर गिरकर उसे दंडवत किया। यदि मुझे याकूब और एसाव के मिलने की तस्वीर मिले तो मैं उसे अवश्य रखना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब एसाव 1 मील की दूरी पर ही था तो याकूब ने उसे दंडवत करना आरंभ कर दिया होगा। वह अपने हाथ में टोपी लिए हुए चला आ रहा था, क्योंकि एसाव के साथ 400 पुरुष थे और याकूब यह नहीं जानता था कि वह मित्रता के भाव से आ रहा है या शत्रुता के भाव से। लेकिन हम उत्पत्ति 33 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, तब एसाव उससे भेंट करने दौड़ पड़ा और उसे छाती से लगाया और गले से लिपट कर उसे चूमा और रो पड़ा। हम इस बात को जानते हैं कि वे जुड़वां भाई थे। जो बीत गया सो बीत गया। यहाँ पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने निश्चित रूप से एसाव के हृदय को छुआ है, क्योंकि उसने कसम या शपथ खाई थी कि वह याकूब को मार डालेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम उत्पत्ति 33 अध्याय उसके 5 से 7 पद में पढ़ते हैं, और उसने अपनी आँखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये तेरे साथ कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के बच्चे हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके दिया है। तब दासियां अपने बच्चों सहित निकट आई और उन्होंने दंडवत किया। इसी प्रकार लिया भी अपने बच्चों के साथ निकट पहुंची और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट पहुंचकर दंडवत किया। हम आगे देखते हैं कि तब याकूब अपने पूरे परिवार का परिचय एसाव को देता है, और आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 33 के 8 पद में, और उसने कहा, इस बड़े दल से जो मुझे मिला तेरा क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। मित्रों, ऊपरी तौर से याकूब को कुछ देर के लिए यह विश्वास हो गया कि उसके भाई के साथ मिलने का ये उसका तरीका सफल हुआ है, परंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये सब जो कर रहा था वो व्यर्थ था। आप एसाव की सुनिए कि वह कितना परिवर्तन हो गया है। उत्पत्ति की पुस्तक 33 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, परंतु एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत हैं, जो तेरा है वह तेरा ही बना रहे। मित्रों, एसाव यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें ये सब कुछ भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। तब हम उत्पत्ति 33 उसके 10 और 11 पद में आगे पढ़ते हैं, तब याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है तो मेरे हाथ से यह भेंट स्वीकार कर। मैंने तो तेरा मुख ऐसे देखा है मानो परमेश्वर का मुख, क्योंकि तूने मुझे ग्रहण किया है। इसलिए अब मेरे उस भेंट को ग्रहण कर जो तेरे सम्मुख लाई गई है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। इस प्रकार उसने उससे आग्रह किया और उसने भेंट ले ली। मित्रों, यह दृश्य लगभग हास्यकर था। इस समय तक वे एक दूसरे से कुछ लेने व पाने या छीनने की कोशिश कर रहे थे। विशेषकर यह याकूब के लिए यह बात बिल्कुल सत्य साबित होती है। परंतु अब यहाँ पर हम याकूब को बिल्कुल नए और बदले हुए रूप में देखते हैं। यहाँ पर वह अपने भाई से आग्रह कर रहा है कि वह इन भेंटों को स्वीकार कर ले, पर एसाव कहता है, मुझे कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास बहुत है। लेकिन याकूब आग्रह करता है कि वह इन भेंटों को स्वीकार करे। मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए कि यहाँ पर याकूब को कुछ हो गया है। वह मुझे जक्कई की याद दिलाता है, जिसे हम नए नियम में पाते हैं, जब हमारे प्रभु यीशु ने उसे पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहा और उसके साथ उसके घर में गया, तो जक्कई के जीवन में कुछ हुआ। वह वही जक्कई नहीं रहा जो पेड़ पर चढ़ा था। उसने कहा कि अब मैं चुंगी या कर नहीं लूँगा। वह जो लोगों को लूटता और अविश्वास पात्र था, चाहता है कि वह सब लोगों को वापस लौटा दे, जिसे उसने लोगों से गलत तरीके से ले लिया था। लेकिन वह उसका चौगुना लौटाना और देना चाहता है। मित्रों, यहाँ पर देखें कि यह कितना अद्भुत परिवर्तन था। आप निश्चित रूप से और आसानी से कह सकते हैं कि यीशु मसीह किस घर में गए थे।
और यहाँ पर भी निश्चित रूप से याकूब के जीवन में भी परिवर्तन हुआ है। पहले पहलौठेपन के अधिकार को पाने के लिए उसने लाल दाल के साथ सौदा किया, परंतु अब यहाँ पर वह अपने भेड़ बकरियों को देने के लिए तैयार है बिना किसी शर्त व दाम के। यहाँ तक कि याकूब बार बार आग्रह करता है कि एसाव उसके इस भेंट को स्वीकार कर ले, और हम देखते हैं कि अंत में एसाव उसकी भेंट को स्वीकार करता है। उन दिनों में, विशेषकर उस दिन और उस भूमि पर, यदि यह भेंट स्वीकार नहीं की गई होती तो यह एक प्रकार से बेइज्जती की बात होती, क्योंकि उसे स्वीकार करने की विनती व आग्रह किया गया, और इसलिए एसाव ने अपने भाई याकूब के द्वारा दिए गए भेंट को स्वीकार कर लिया। मित्रों, हम उत्पत्ति 33 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, तब एसाव ने कहा, आओ हम चलें, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। अब यहाँ पर एसाव कहता है कि अब तुम अपनी भूमि में लौट रहे हो तो मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा ताकि तुम्हें रास्ता दिखाऊँ और तुम्हारे लिए रक्षक ठहरूँ। इसके बाद हम उत्पत्ति 33 उसके 13 पद में पढ़ते हैं, परंतु उसने उससे कहा, मेरा स्वामी तो जानता है कि बच्चे सुकुमार हैं और दूध पिलाने वाली भेड़ बकरियाँ और गाय हैं जिनका बोझ मुझी पर है। यदि वे एक दिन भी अधिक हाँके जाएंगे तो सब भेड़ बकरियाँ मर जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर याकूब कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ चल रहा हूँ और इसमें छोटे और दूध पीने वाले बच्चे भी हैं, यहाँ तक कि भेड़ बकरियों के भी दूध पीते बच्चे हैं। इसलिए हम लोग चाहकर भी अधिक तेज़ी से नहीं चल सकते हैं। आपके पास 400 सेना है और आप जल्दी भी जा सकते हैं, इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए जैसे आप चल सकते हैं। आगे हम उत्पत्ति 33 उसके 14 पद में पढ़ते हैं, इसलिए मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं अपनी पशुओं की चाल के अनुसार धीरे धीरे चलता हुआ अपने प्रभु से शेर में आ मिलूंगा। यहाँ पर याकूब कहता है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता क्योंकि मेरा परिवार व जानवर भी साथ में है, इसलिए भाई एसाव आप आगे बढ़ते रहें तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे अपनी चाल व कदम को निश्चित करना होगा कि हम लोग कितनी तेज चल सकते हैं, अन्यथा आप भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने लोगों के साथ आगे बढ़ते रहें। तब एसाव के उत्तर को हम उत्पत्ति 33 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, तब एसाव ने कहा, तो होने दे कि मैं अपने साथ के लोगों में से कुछ लोगों को तेरे साथ छोड़ जाऊं, परंतु उसने कहा, इसकी क्या आवश्यकता है, यही बहुत होगा कि मेरे स्वामी की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और उसी दिन एसाव शेर के मार्ग पर लौट गया। एसाव कनान देश के दक्षिणी क्षेत्र के शेर में रहता था जो एदोम की भूमि थी। उस समय तक की स्थिति में एसाव अपने पिता इसहाक की मृत्यु के बाद वह शेर नामक पहाड़ की ओर रहने के लिए चला गया, जिसे परमेश्वर एसाव को उसका भाग होने के लिए दिया था। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 2 अध्याय उसके 5 पद में इसे देख सकते हैं, लिखा है, उनसे छेड़छाड़ मत करना क्योंकि मैं उनके देश में तुम्हें पैर रखने तक की जगह न दूंगा, मैंने शेर पर्वत एसाव को उत्तराधिकारी में दे दिया है। मित्रों, इसके पश्चात हम आगे देखते हैं कि याकूब सुकूत की ओर यात्रा करता है। उत्पत्ति 33 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, याकूब ने सुकूत तक यात्रा की और वहाँ अपने लिए एक घर बनाया तथा अपने पशुओं के लिए झोपड़े खड़े किए, इसी कारण उस स्थान का नाम सुकूत पड़ा। मित्रों, आइए हम यहाँ पर जल्दीबाजी में और आसानी से पार ना हो जाएं, ताकि हम इस पर कुछ ध्यान ना दे सकें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ इस व्यक्ति याकूब के अंदर में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप यहाँ पर याकूब की चतुराई भरी सब योजनाओं को देख सकते हैं जिसे उसने अपने भाई एसाव को भेंट में देने के लिए बनाई, पर यह सब कुछ बेकार हो गया। परमेश्वर ने लाबान के हृदय को तैयार किया कि वह याकूब को कोई हानि न पहुँचाए, और उसी प्रकार परमेश्वर ने एसाव के मन को भी तैयार किया कि वह अपने भाई याकूब को स्वीकार करे। अब दोनों के सामने शांति है। एसाव याकूब के द्वारा दिए गए भेंट को स्वीकार करना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास अपना धन ही काफ़ी था। फिर भी जब याकूब ने उसे आग्रह किया तो शिष्टाचार के नाते उसने उसे स्वीकार कर लिया। यहाँ पर ऐसा लगता है कि दोनों भाई अपनी तरफ से मेल मिलाप करने के लिए उदार और निष्कपट थे, और हमारे पास कोई कारण भी नहीं है कि हम इन दोनों पर संदेह करें। जबकि एसाव भी अब तक समृद्ध और धनी व्यक्ति हो गया है और पहलौठेपन के अधिकार का उसके लिए कोई महत्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके कारण वह अपने भाई से मेल मिलाप न करें। मित्रों, अब याकूब के जीवन में सूर्य की रोशनी पड़ने वाली है क्योंकि लाबान शांत हो गया है और एसाव से भी उसका मेल मिलाप हो गया है। परमेश्वर ने उसके लिए सारा प्रबंध कर दिया है। क्या याकूब को उसके लोभ में और उसके अपने चतुराई में छोड़ दिया गया? अगर ऐसा होता तो वह अपनी मृत्यु के करीब एक हिंसक रूप में आता।
इसके पहले कि ज्यादा समय हो, याकूब अपने जीवन पर दृष्टि करने जा रहा है। और जब वह ऐसा करता है तो वह अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को देखता है और इसके लिए वह परमेश्वर को महिमा देता है। मित्रों, जो भी हो, उसने जो बुरा बोया उसकी कटनी का समय अभी आने वाला है। समस्या एक व्यक्ति के लिए रखी हुई है, मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। एसाव शेर के मार्ग पर लौट गया और उसने थोड़े समय के लिए अलविदा कहा। जो भी हो, वह अपने पिता इसहाक को दफनाने के लिए वापस आएगा, जिसे हम उत्पत्ति 35 अध्याय में देखेंगे। आइए अभी हम उत्पत्ति 33 अध्याय उसके 18 और 19 पद को पढ़ें। जब याकूब पदन आराम से चला तो कनान देश के शकेम नगर में सुरक्षित पहुंचा और उसने नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस भाग पर उसने अपना तंबू खड़ा किया था उसे उसने शकेम के पिता हामोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीता देकर मोल लिया। मित्रों, याकूब का वहाँ पर कुछ समय के लिए विरोध किया गया क्योंकि वह सुकोत में और शकेम में रुका और बेतेल की ओर आगे नहीं बढ़ा। वास्तव में हमें याकूब से इस समय बहुत अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे लंगड़ा कर दिया गया है और वह सिर्फ अपने आत्मिक पैरों के साथ चलना सीख रहा है, जो उसके लिए एक नई चाल का आरंभ है। उत्पत्ति 33 अध्याय उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और उसका नाम एल एलोहे इसराइल रखा। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब ने एक वेदी बनाई, जैसे उसके दादा इब्राहिम जहाँ कहीं भी गए उन्होंने वेदी बनाई, इसने भी ऐसा ही किया। यहाँ पर एक विशेषता है कि याकूब अपने नए नाम को परमेश्वर के नाम के साथ जोड़ता है। वो उस वेदी का नाम एल एलोहे इसराइल रखता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर, इसराइल का परमेश्वर। याकूब की यह सारी बातें इस बात को दर्शाती है कि एक व्यक्ति जो अभी चलना ही सीख रहा था वह आत्मिकता में कितना बढ़ गया है। आइए हम इसे इस रीति से देखें कि यह व्यक्ति बेतेल के मार्ग पर है परंतु अभी तक वह उस स्थान में नहीं पहुंचा है। पहले वह सुकोत की यात्रा करता है। वास्तव में याकूब ने शकेम में रुकने की गलती की क्योंकि यहाँ पर इस परिवार के ऊपर एक कलंक लगने वाला या जुड़ने वाला था। याकूब की बेटी दीना, जो लिया से उत्पन्न हुई थी, हित्ती हामोर के पुत्र शकेम उसके साथ बलात्कार करता है। तब शमोन और लेवी, जो दीना के भाई थे, वो उस नगर के प्रत्येक पुरुष को घात करते हैं। यहाँ न्याय संगत नहीं हो सकता था और यह याकूब के परिवार पर एक धब्बा था। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि याकूब जब अपने मामा लाबान को हारान में विदा किया तो वहाँ से वह जल्दी नहीं गया, अर्थात वह वहीं पर था। हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जब उसे उस वातावरण में से बाहर निकाल कर ले जाने या दूर करना चाहते थे तो वह बिल्कुल सही थे। मित्रों, हम उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर को देखते हैं कि वह उत्पत्ति में अधिक समय बातचीत और समाधान या समझौता में बिताते हैं। सबसे पहले अनुवंशिकता है। परमेश्वर इस बात का बहुत ध्यान देते हैं कि एक विश्वासी किसी अविश्वासी के साथ विवाह ना करे, अर्थात एक विश्वासी को विश्वासी के साथ ही विवाह करना चाहिए। ऐसा करना अनुवंशिकता के कारण अति अनिवार्य है। और दूसरी विशेष बात जिस पर वह ध्यान देते हैं, व्यक्तिगत वातावरण। इसे हम विशेषकर याकूब के जीवन में देखते हैं कि उसका एक बड़ा परिवार है। उसके न केवल 12 पुत्र थे परंतु उसके पुत्रियां भी थीं। हमें सिर्फ एक ही पुत्र के बारे में बताया गया है क्योंकि वह अध्याय 34 में एक विशिष्ट पात्र है। मित्रों, इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जिसे हम ध्यान देना चाहते हैं, जो उत्पत्ति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, और वह यह है कि वहाँ परिवार में अशांति है। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया था कि इब्राहिम के परिवार में भी संघर्ष और अशांति थी और इसहाक के परिवार में भी संघर्ष और अशांति थी? एसाव इसहाक का दुलारा या चहेता था और रिबका का चहेता व दुलारा बेटा याकूब था, और यही बात परिवार के अंदर एक बड़ी अशांति का कारण बना। और अब हम देखेंगे कि याकूब के परिवार में एक बड़ी अशांति की समस्या थी जिसे हल किया गया। हम देखते हैं कि याकूब शालेम में थोड़े समय के लिए रुक जाता है और यही उसके जीवन में एक दुख को लाने का कारण बनता है। मित्र, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उत्पत्ति 34 अध्याय एक दुख से भरा और घिनौना अध्याय है, जो इस बुढ़ापे के समय में याकूब के लिए यह वास्तव में एक वेदनापूर्ण समय था। याकूब, जो अब इसराइल भी कहलाता है, उसने एक वेदी बनाई और अब वह जीवित और सच्चे परमेश्वर को गवाह दे रहा है। अब उसके जीवन में परिवर्तन है परंतु यह परिवर्तन एक धीमी गति से वृद्धि या विकसित हो रहा है।
मित्रों, आज हम सबके लिए एक सबक होना चाहिए। इसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप एक मसीह होने के नाते यह ना समझे कि आप एक ही रात में बदल जाएंगे, अर्थात आप आत्मिक जीवन में बढ़ जाएंगे। परमेश्वर हमें पूर्ण रूप से बढ़े हुए बालक की तरह अपने परिवार में अपनाता है, जहाँ पर हम परमेश्वर के उस ईश्वरीय सत्य को समझते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक होता है। परंतु हमारी आत्मिक वृद्धि और उन्नति बहुत धीमी गति से होती है। हो सकता है कि हम बाइबल में से सच्चाइयों को सीखते हैं, लेकिन हम पाएंगे कि हमारे जीवन में हम लगभग शिमोन पत्रस की तरह हैं, जो लड़खड़ाता और यहाँ और वहाँ गिरता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि शिमोन पत्रस ऊपर उठता रहा और अपने को संभालता रहा, और परिणाम स्वरूप एक ऐसा दिन आया कि वह परमेश्वर के साथ बहुत नज़दीकी से चला, यहाँ तक कि वह क्रूस पर भी चढ़ाया गया, जैसे हमारा प्रभु भी चढ़ाया गया। मित्रों, मुझे और आपको इस बात को याद रखना है कि हमारे जीवन की विकास या वृद्धि धीमी है, और इसलिए दूसरों के जीवन की वृद्धि भी धीमी गति से ही होगी। कभी कभी नए मसीही बच्चों से माता पिता बड़ी उम्मीद रखते हैं। मित्रों, आइए हम दूसरों से अधिक उम्मीद न करें, परंतु अपने जीवन में भी एक महान परिवर्तन की आशा करें। उत्पत्ति की पुस्तक में 3 ऐसे अध्याय हैं जो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं, और वे सब लिया के बच्चों के विषय में हैं। लिया जो लवान की बड़ी बेटी थी, जिसे उसने याकूब को दिया था। मैं यह विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर एक से अधिक पत्नी रखने की मान्यता नहीं देते हैं, अर्थात एक से अधिक विवाह करना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, और इसका प्रमाण हम लिया और याकूब के जीवन से पाते हैं। यह सच है कि याकूब पर किसी हद तक ऐसा करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उसके कारण ठीक नहीं हुआ, और अंत में याकूब एक से अधिक पत्नी के साथ ही रहा। हम इस भाग में पाते हैं कि लिया के सभी बच्चे पाप में शामिल थे, उसके 4 पुत्र थे। अध्याय 34 में शमौन और लेवी के बारे में हम पाते हैं, और अध्याय 35 में दूसरे पुत्रों रूबेन जो पहलौठा था उसे पाते हैं, और 38 अध्याय में हम यहूदा के बारे में देखते हैं। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि लिया के 4 पुत्र बुराई की ओर मुड़ गए और उनके जीवनों में लज्जाजनक पाप था। मित्रों, हमने पहले ही इन परिवारों के संघर्ष के बारे में देखा था जिसमें से होकर ये लोग जा रहे थे, लेकिन अब एक दूसरा अंश इसमें प्रवेश कर गया था। मित्रों, यहाँ घिनौना और एक घटियापन है जो याकूब के परिवार में रिस रहा था, जो इब्राहिम के परिवार में भी नहीं था या इसहाक के परिवार में भी। मित्रों, उनके पास विचार करने के लिए बहुत बड़ी समस्या और परेशानी थी, परंतु जैसे हम याकूब के परिवार में देखते हैं वैसे नहीं। परमेश्वर फिर से चाहते थे कि याकूब लाबान के घर से परिवार के साथ बाहर निकले, न केवल घर से परंतु उस वातावरण से ही परमेश्वर याकूब को परिवार सहित दूर ले जाना चाहते थे, क्योंकि इसी वातावरण ने इन भयंकर पापों की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया, जिसे हम यहाँ पर देखते व पाते हैं। इसलिए परमेश्वर याकूब को वहाँ से हटाना चाहते थे। प्रिय दोस्तों, आज के अध्ययन में हमने पाया कि मनुष्य का स्वभाव बदलना बहुत कठिन कार्य है। याकूब के जीवन से हमने देखा कि वह कभी नम्र हो जाता है और कभी चतुराई से काम करता है, पर जब वह परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाता है और उस पर ही निर्भर करने लगता है, तब वह आशीष का स्रोत बन जाता है। दोस्तों, आज एक अद्भुत बात हमने सीखी कि परमेश्वर किस प्रकार से एसाव के मन और हृदय में याकूब के प्रति प्रेम भर देते हैं, और एक समय जो उसके खून का प्यासा था वह उसे क्षमा कर देता है और उसे सुरक्षा देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम पाते हैं कि लाबान भी अपनी शत्रुता भुलाकर याकूब को जाने देता है। मित्रों, हमारे संबंधों के अंदर परमेश्वर एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं, तब जब हम परमेश्वर के सामने पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, और हम पाते हैं कि हमारे विरोधियों के साथ भी हमारे संबंध मधुर हो जाते हैं। क्या आज आप अपने बुरे संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं? क्या आपको किसी से डर या भय है? आप परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, और तब आप पाएंगे कि परमेश्वर आपके संबंधों को मित्रता में बदल देंगे। प्रियो, आज यदि आप किसी भी प्रकार से
अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए उपलब्ध है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से विनती करें कि वो हमारे जीवन में भी ऐसे ही कार्य करे जैसे उसने याकूब के जीवन में किया। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, हम हमारे सभी दर्शकों के साथ इस समय आपसे विनती करते हैं प्रभु, जब हम अपने सांसारिक जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं, जिनके साथ हमारे संबंध मधुर नहीं हैं। शायद हमने किसी के साथ गलत किया है, इसलिए हमारे मन में एक भय है। परंतु पिता, हम आज आपसे विनती करते प्रभु, जैसे याकूब ने अपने आप को आपके सन्मुख समर्पित किया, हम भी अपने जीवन, अपने मनों को, अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं और विनती करते प्रभु कि हमारे संबंधों को आप सुधारें, मधुर बनाएं, हमारे भय को दूर करें, ताकि हम सबों के साथ मिलकर एक प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आदर और महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीष का कारण ठहरा है तो हम निवेदन करते हैं कि आप हमें पत्र लिखें, फोन करें, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं, लेकिन अपने विचार हमारे साथ बांटें ताकि हम आपके विचारों के द्वारा से प्रोत्साहित हो सकें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसी के साथ चलते रहें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं, इसके लिए हमारा नंबर है 0444-908-1246। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindittb@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। YouTube और Facebook पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।